नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आईपीएल ताबड़तोड़ छक्के चौकों की बरसात के लिए जाना जाता है। जब तक ऐसा ना हो आईपीएल का मजा ही नहीं आता। यही वजह है कि आईपीएल में बल्लेबाजों की तूफी बोलती है और तूफानी बल्लेबाजों का यहां अलग ही रुतबा रहता है। इस लीग में विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, केएल राहुल, डेविड वार्नर, आंद्रे रसेल, कारन पोलार्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं। ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके आगे गेंदबाज एक भी गलती करने से परहेज करते हैं, क्योंकि अगर वो चूके तो ये बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में परहेज नहीं करते। इसीलिए इस बार आईपीएल में गेंदबाजों की तूती बोल सकती, क्योंकि इस बार आईपीएल 2020 का आयोजन भारत में नहीं बल्कि यूएई में हो रहा है। यूएई की पिच भारत जैसी नहीं, यही वजह है कि वहां गेंदबाज राज करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईपीएल में कई बल्लेबाज शतक ठोक चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई की सरजमी पर किसी आईपीएल टीम का बल्लेबाज सैकड़ा नहीं लगा पाया। साल 2014 में यूएई में आधा आईपीएल खेला गया था, जहां कई बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारियां खेली थी, लेकिन वो शतक लगाने में नाकाम रहे थे। यूएई में अब तक की सबसे बड़ी आईपीएल पारी खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम। उन्होंने साल 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। मैक्सवेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 43 गेंदों में 95 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए थे। मैक्सवेल के बाद फिंच ने हैदराबाद के लिए नाबाद 88 रन बनाए। वहीं कारन पोलार्ड ने मुंबई के लिए 78 रनों की पारी खेली। पोलार्ड के बाद अजिंक्य रहाणे ने राजस्थान के लिए 72, जैक कैलिस ने केकेआर की ओर से 72, चेन्नई के लिए ब्रैंडन मैकलम ने नाबाद 71 और पार्थिव पटेल ने आरसीबी के लिए 57 रनों की पारी खेली। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कोई बल्लेबाज यूएई में शतक लगाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।